हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज वीडियो में मैं कोई भी रेसिपी नहीं बना रही हूँ, बल्कि रेसिपी से रिलेटेड जो सामान होते हैं ना, वो हम कैसे बचा सकते हैं बारिश के मौसम में या ठंडे के मौसम में, या फिर ऐसे भी हम लोग जब लाते हैं ग्रोसरी से सामान खरीद करके, तो हम लोग 1 kg का 2 kg का पैकेट ले आते हैं कि बार बार कौन लाने जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि चीनी में चींटी लगने का डर, चोकोज लाइए डब्बे में डालिए तो उसमें चींटी लगने का डर, चने हैं दाल है वो घुन जाते हैं, सूजी में कभी कभी कीड़ी लग जाती है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी ख़राब हो जाती है ना कुछ दिन रखने तक, और उसके बाद देखिए तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। इवन ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके स्वाद थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो हम लोग उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसके भी कुछ टिप्स होते हैं, तो चलिए मैं कैसे सुरक्षित रहती हूँ एक बार सामान लाने के बाद, और बहुत दिन तक वो चलते हैं आराम से, कोई ख़राब नहीं होता है। तो उस टिप को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और देखिए कि मैं ग्रोसरी को अपने किचन में जब रखती हूँ तो किस तरीके से रखती हूँ ताकि वो लंबे समय तक स्टोर कर सकूँ मैं। सबसे पहले चावल की बात करूंगी। तो चावल हम लोग ले लेते हैं, और ज़्यादा समय तक अगर रखा रहता है, मतलब कुछ समय हो जाता है, तो अक्सर उसमें कीड़े लग जाते हैं या घुन लग जाते हैं। तो अगर चावल एक साथ ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब 5 kg 10 kg, और डब्बे में जब भी रखते हैं तो साथ ही उसमें लाल मिर्च जो सूखी वाली होती है उसे डाल दीजिए। जैसे 5 kg चावल लेते हैं तो उसमें 10-12 लाल मिर्च ले करके, और पूरे चावल में पूरे कंटेनर में अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, और ना ही इसमें जो ब्राउन वाले होते हैं ना जिसे सूढ़ी कहते हैं वो भी नहीं लगता है, और चावल भी बहुत अच्छे से ताज़ा देखने में भी लगता है कि हाँ सही है। अगर आप मिर्च नहीं डालते हैं तो आप उसके जगह पे जो माचिस होती है ना, तो पूरी पैकेट, मतलब तिल्ली सहित जो पूरी पैकेट होती है, तो अगर 5 kg चावल है तो उसमें एक माचिस आप बीचों बीच रख दीजिए तो भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। अगर आपको नहीं रखनी है माचिस और मिर्च भी नहीं रखनी है, उसके जगह पे आप ये कर सकते हैं कि जो हींग आती है ना हम लोग की, तो अगर हींग की डब्बी खाली हो गई है, थोड़ी बहुत हींग है, तो आप क्या कीजिए कि डब्बी को खोल दीजिए, और उसमें बहुत दिन तक स्मेल बनी रहती है हींग की, तो आप डब्बी रख दीजिए, या तो सिर्फ हींग भी 2 चुटकी डाल करके छोड़ सकते हैं। अब चीनी की बात करूँ तो चीनी में ठंडे के दिन में और बरसात में मॉइस्चर आ जाते हैं, या तो चींटियां तो बंद डब्बे में भी लग जाती हैं, कितने भी अच्छे से टाइट कर दीजिए, पता नहीं चींटियों को गंध लग जाती है। तो चींटियां और मॉइस्चर से बचाने के लिए इस तरह से मैंने एक नैपकिन पेपर लिया है, और नैपकिन पेपर में 8-10 लौंग और 2 हरी इलायची, इससे मैं बहुत अच्छे से फोल्ड करूंगी ताकि ये खुले नहीं। इसके जगह पे आप कॉटन के भी कपड़ा ले सकते हैं, और पोटली बना करके इस तरह से डाल दीजिए चीनी में, तो उससे लौंग की खुशबू बनी रहेगी और इलायची की, और साथ ही लौंग की खुशबू से इसमें चींटी कभी नहीं लगेगी, ये गारंटी है। हम लोग घरों में बेसन रखते हैं, तो ज़्यादा समय जब बेसन का हो जाता है तो उसकी स्वाद बदल जाती है, या तो इसमें चींटियाँ भी लग जाती हैं, कभी कभी इसमें कीड़ी भी लग जाती है। तो उससे बचने के लिए, तीनों चीज़ से बचने के लिए, कि स्वाद भी ना ख़राब हो, चींटियाँ भी ना लगे, और इसमें कीड़े वगैरह भी ना लगे, तो इसका सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि आप 3-4 तेज पत्ता लीजिए और बेसन में डाल दीजिए, तब डब्बे में रखिए। अब मैं ड्राई फ्रूट की बात करूं तो कोई भी ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, इस तरह से जब हम लोग लाते हैं तो कभी कभी ज़्यादा समय तक रहने पर उसमें कीड़े लग जाते हैं, या तो वो ख़राब हो जाता है, उसके स्वाद में चेंजेज आ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से पहले पैकेट खोल के कंटेनर में डाल लेना है सारे ड्राई फ्रूट को, अलग अलग कंटेनर में, उसका डब्बे बंद करके इसे फ्रिज में स्टोर कीजिएगा, तो इसमें क्रंचीपन भी बना रहेगा और बहुत महीनों तक ये ख़राब नहीं होता है, और इसके स्वाद में भी कोई बदलाव नहीं आता है। एज इट इज स्वाद जैसे नया में रहता है, सेम उसी तरह बाद में भी बरकरार रहती है। नमक की बात करूं तो नमक जब हम लोग डब्बे में रखते हैं तो बहुत समय तक रखे रहने से, या बरसात के सीजन में या ठंडे के सीजन में, इसमें मॉइस्चर आ जाती है, तो मॉइस्चर में लगने के बाद नमक जो है वो थोड़ी सी अजीब सी पानी पानी हो जाती है, जमने लगती है। उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि एक कपड़ा लीजिए, या तो इस तरह से नैपकिन पेपर लीजिए, और उसमें आप चावल ले लीजिए, जो भी चावल आप घर में यूज करते हैं, और उसकी पोटली बना करके इस तरह से पोटली बनाइए कि खुले नहीं, या तो कॉटन कपड़े की भी पोटली बनाइए तो थोड़ी मजबूती से बांध दीजिए गांठ, और इस तरह से नमक में डाल दीजिएगा, तो गारंटी है कि मॉइस्चर कभी नहीं लगेगी।
अब मैं गुड़ की बात करूं तो गुड़ जो है वो बरसात के दिन में और गर्मी के दिन में लोग घरों में नहीं रखते हैं क्योंकि गुड़ खराब हो जाती है। लेकिन चीनी से अच्छा है कि घर में ज़्यादा गुड़ ही यूज कीजिए, तो हर समय गुड़ की ज़रूरत तो पड़ेगी ही जब यूज करेंगे। तो अब क्या करना है कि गुड़ को ज़रूर लाइए घर में और इस तरह से उसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उस कंटेनर को फ्रिज में डाल दीजिए। आपके गुड़, गारंटी देती हूँ, बहुत लंबे समय तक चलेंगे। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, हर गुड़ को इस तरह से पेपर में रोल कर लीजिए और इस तरह से रोल करके आप इसे भी कंटेनर में रख करके बिना फ्रिज का बाहर भी अगर कंटेनर में रखते हैं तो भी आपका गुड़ लंबे समय तक चलेगा, ये खराब नहीं होगा, ये गारंटी है। अब मैं बात करूंगी, इस तरह से हम लोग छोले लाते हैं, राजमा लाते हैं, तो रेगुलर तो ये यूज होता नहीं है, हम लोग जब एक बार ले आते हैं तो डब्बे में रख देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है लंबे समय के बाद इसमें घुन लग जाती है। तो उसका सबसे अचूक उपाय है कि जब भी आप इसे कंटेनर में रखें तो इस तरह से सूखे लाल मिर्च होते हैं ना, उसे डाल दीजिए। अगर चने की भी बात करूँ तो चने भी आप अपने घरों में रखते हैं तो चने में भी सूखे लाल मिर्च डाल दीजिए, तो इसमें घुन नहीं लगेगा, ये ख़राब नहीं होगा। अब हम लोग सूजी की बात करते हैं, तो सूजी की पैकेट हम लोग इस तरह से ले आते हैं, तो सूजी जब डब्बे में रखते हैं तो या तो चींटियां लग जाती है या कभी कभी उसमें कीड़े भी आ जाते हैं। तो जब भी सूजी का पैकेट लाइए, खासकर बरसात में और ठंडी में, तो सूजी को क्या कीजिए कि कढ़ाई में 2 से 3 मिनट तक उसे भून लीजिए। और जब ये बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसके मॉइस्चर को ख़त्म करना है, उसके बाद ठंडा कर लीजिए। और कंटेनर में ठंडा रखने के बाद इसमें 3-4 लौंग और 2-3 हरी इलायची रखिएगा, तो बहुत अच्छे समय तक ये स्टोर रहेंगे। अब मैं बात करूंगी मसाले के पाउडर की, या तो घर में बनाइए या तो पैकेट की लाइए बाहर से खरीद करके। जब कुछ समय हो जाता है उसे हम लोग मसालदानी में रख देते हैं तो या तो उसकी कभी कभी रंग उड़ जाती है या तो इसकी खुशबू जो है वो कम होने लगती है जैसे ही इसमें हवा लगती है, तो या कभी कभी उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं मॉइस्चर के कारण। उससे बचाने के लिए क्या करना है कि जब भी पैकेट खोलिए या घर का पाउडर पीसिए तो कंटेनर में रखने के बाद उसमें सरसों का तेल 8-10 बूंद मिला दीजिएगा, तो उससे मसाले आपके लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे। अब मैं बात करूं, हरी मिर्च हम लोग लाते हैं तो फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा हरी मिर्च लाते हैं तो कुछ समय बाद फ्रिज में भी रखने के बाद 8-10 हरी मिर्ची जो होती है वो रेड हो जाती है, मतलब लाल जैसी हो जाती है। तो उस मिर्ची को हम लोग फेंके नहीं, उस मिर्ची को क्या मैं करती हूँ कि एक ऐसे बर्तन में रखते जाती हूँ जिसमें कि हवा आते जाते रहे और मिर्च में हवा लगते रहे। उससे क्या होगा, कुछ समय तक उसी तरह स्टोर करते जाइए 8-10 और इस तरह से ये सूखने लगेंगे। धूप में नहीं सुखाना है, बस ऐसे डब्बे में रखना है जिसमें हवा लगते रहे। जब सूख जाएं तो इसका एक पाउडर बना लीजिए, तो यकीन मानिए जो बाहर लाल मिर्च का पाउडर आप खरीदते हैं या घर में बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा पाउडर इस मिर्च का बनता है, क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान वाली चीज़ें नहीं रहती है। हरी मिर्च ही लाल हो जाती है और उसका पाउडर इजिली बन के तैयार हो जाता है। अब मैं बात करूंगी अचार की, चाहे कोई भी अचार हो, जब हम लोग इसे एक बार बनाते हैं तो लंबे समय तक स्टोर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मेरी अचार 1 साल नहीं चलती है या 2 साल नहीं चलती है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है और अजीब सा ख़राब जैसा उसमें स्वाद आने लगता है, या तो कभी कभी वाइट फफूंदी लगने लगती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप अचार बनाते हैं तो उसे धूप जरूर दिखाइए और बीच बीच में भी धूप दिखाते रहिए। उसके बाद एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि जो हमारे पास वाइट विनेगर होती है ना, विनेगर हम लोग घर में यूज करते हैं, तो बस 1-2 चम्मच विनेगर जो है आप अचार में डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद फिर से इसे 1 दिन धूप दिखा दीजिए। और इस तरह से जब आप स्टोर करिएगा ना, तो आपकी अचार कभी नहीं खराब होगी, ये गारंटी है। क्योंकि मैं एक बार अचार बनाती हूँ और 2-3 साल मेरे अचार चल जाते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। अब मैं बात करूंगी, घर में कोई भी मीठी चीज़ बच्चों की रखते हैं, बिस्किट हो गई, चोकोज हो गई, है ना, मीठी चीज़ से रिलेटेड, या तो रस्क बिस्किट हो गई, तो उसमें क्या होता है ना कि चींटी बहुत जल्दी आ जाती है। उससे बचने के लिए क्या कीजिए कि ये बच्चों की चीज़ है तो कोई भी नुकसान वाली चीज़ तो रख नहीं सकते हैं, तो सबसे अच्छी होती है कि दालचीनी की एक बड़ी सी टुकड़े को आप बिस्किट में या फिर इन सब चीज़ों में रख दीजिएगा तो चींटियाँ कभी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है।
अब मैं गेहूं की बात करती हूं कि अगर आप गेहूं घर में धुलते हैं और इसका आटा पिसवाते हैं तो इसमें चना और मक्के को जरूर मिला दीजिए, उससे आपका जो है ना आटा बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग को नुकसान भी नहीं करता है, हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इस तरह से सामान को रखिएगा और देखिएगा आपके सामान भी खराब नहीं होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।